हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप जो है वाईफाई का जो रेंज है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए, हो सकता है कि आपका घर बहुत बड़ा हो और आपने एक जगह वाईफाई सेटअप किया हो और आपका जो वाईफाई का जो रेंज है वो आपको दूसरे कमरे में नहीं मिल पा रहा हो अच्छे से, जिसके कारण आप जो है नेट यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ ओल झोल वाला काम नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बस एक गैजेट परचेज़ करना है जिसका नाम है TP-Link का वाईफाई रेंज एक्सटेंडर। और इसका जो यूज़ जो है बहुत ही आसान है। मैं आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड बताऊँगा कि इसको आप कैसे सेटअप करोगे। और ये जो है बहुत ईजी है, क्योंकि ये इसमें जो है आपको कोई इथरनेट केबल लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये जो आपका जो पुराना जो वाईफाई लगा हुआ है, बस आप उससे इसको कनेक्ट करोगे और ये जो है आपका जो वाईफाई का रेंज है वो आपको बढ़ा देगा। तो आज चलिए इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है, और फिर मैं इसको सेटअप करके भी बताऊँगा कि आप जो है इसको कैसे सेटअप करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से प्लास्टिक की कवर चढ़ी हुई है इसमें डब्बे के ऊपर, और ये कूट का डब्बा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक जगह वाईफाई लगा हुआ और एक जगह ये वाईफाई रेंज एक्सटेंडर लगा हुआ है। और इस प्रोडक्ट का अगर आप नंबर देखेंगे, सीरियल नंबर, तो TLWA-B है या 8A50RE है। और आप जो है वैसे इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि ये जो है 3 साल की वारंटी के साथ आता है। मतलब कि अगर कुछ भी इसमें ख़राबी होती है तो आप कंपनी के पास इसका कंपनी आपको ये ठीक करके देगी। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ताकि आपको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट ना मिले। आप वहाँ उस लिंक से जाकर के इस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगेगा, और अगर आप उस लिंक से ख़रीदेंगे तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मतलब कि मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा, क्योंकि वो एक एफिलिएट लिंक होगा। तो आप चाहें तो वहाँ से जा कर के ख़रीद सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो इसके अंदर देखा जाए तो हमें ये एक सिंपल सा छोटा सा आपको एक्सटेंडर मिल जाता है, और इसके अंदर एक बस गाइड रहता है जो डब्बे के अंदर है। और ये जो है आपको बस देखिए तीन प्लग वाला है, और ये प्लास्टिक का बना हुआ है। और अगर इसमें देखेंगे तो आपको इसमें इथरनेट केबल लगाने का भी सिस्टम है, और रीसेट करने का बटन है नीचे। और ऊपर में बस आपको कुछ इंडिकेटर दिए हुए हैं आपको इथरनेट का, सिग्नल स्ट्रेंथ का। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो है 3 प्लग में है। वैसे बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है एकदम। आप इसको आराम से अपने जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड है उसमें लगा सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार हम लोगों को इसको सेटअप कैसे करना है। तो आप इसको सबसे पहले आप अपने किसी भी बोर्ड में लगाइए जहाँ पे कम से कम वाईफाई का रेंज जो है वो लगभग 2 सिग्नल तक आ रहा हो। तो आपको बस इसको सबसे पहले प्लग में लगाना है और पावर ऑन करना है। ऑन करने के बाद इसका वाईफाई आपको स्टार्ट हो जाएगा, आपको उससे कनेक्ट होना है, और फिर आपको इस लिंक पे जाना है TP-Link Repeater.net पे। और वहाँ पे जाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे आपको अपना न्यू पासवर्ड देना है और फिर आपको एक कंफर्म पासवर्ड देना है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको 1 से लेकर के 15 करेक्टर तक यूज़ करना है, और जिसमें आपको केवल नंबर और सिंबल ही यूज़ करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको अपना जो वाईफाई है वो आपको दिखाई देगा, तो आपको बस उस पर सिंपली क्लिक करना है आपका जो भी वाईफाई, और फिर वहाँ पे आपको अपना वाईफाई का पासवर्ड देना है। इसमें आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप जो है यहाँ पे अपने वाईफाई का पासवर्ड जो है एकदम सही सही देना, क्योंकि अगर आप इसमें गलत पासवर्ड भी देते हो तो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने गलत पासवर्ड दिया हुआ है। तो आप इसमें ध्यान रखना कि आप इसमें सही पासवर्ड दो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने इसमें गलत पासवर्ड दिया था, तो जिसके कारण मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसको सेटअप करने में। वैसे नहीं तो ये 2 मिनट के अंदर सेटअप हो जाता, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट स्टेप है, आप जो है बस उसमें अपना पासवर्ड देना और फिर अपना नेक्स्ट करना, तो फिर आपको इस तरह से ये सेटअप करने के लिए आएगा। देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको वेट फॉर अबाउट 2 मिनट्स अनटिल एटलीस्ट 3 सिग्नल स्ट्रेंथ LEDs टर्न सॉलिड ऑन। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि आपको जो है थोड़ा देर इंतज़ार करना है, तो आपको एक बार फिर तुरंत में जो है ये आपको सेटअप हो जाएगा। फिर आपको बस डन पे क्लिक करना है,
और फिर आपको ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसको सेटअप कर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभिषेक होम का जो अभी स्ट्रेंथ है वो 1% है, और अभी मैं चलिए उसको इनेबल करता हूँ। तो अभी हम लोग इसका पावर ऑन करते हैं। तो इसको देखिए, पावर ऑन करने के बस तुरंत बाद ही ये जो है स्टार्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक सिग्नल जल रहा है, वो पावर वाला जल रहा है। फिर आपको उसके बाद देखिए जलेगा वायरलेस वाला जला, और फिर इसके बाद आपको ये स्ट्रेंथ का भी सिग्नल देगा। अभी मैंने आपको अपने फ़ोन में दिखाया कि मेरे फ़ोन में केवल वाईफाई का एक सिग्नल दिखा रहा था, तो देखिए इसमें भी आपको दिखाएगा कि इसमें कितना सिग्नल था। देखिए, आपको यहाँ पे एक दिखा रहा है ना नीचे में, वो जो नीचे में एक सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना, तो उसका मतलब कि आपका यहाँ पर इतना स्ट्रेंथ आ रहा है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभिषेक होम एक्सटेंड लिखा हुआ है ना, वो एक्सटेंडर का ही है मेरे वाईफाई का, और उसका आप देख सकते हैं कि वाईफाई का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्पीड टेस्ट भी करके देख लेते हैं एक बार कि क्या मेरे क्या कहते हैं वो स्पीड में, वाईफाई के स्पीड में भी कोई अंतर होता है या नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले स्पीड टेस्ट वाला हम लोग वेबसाइट खोल लेते हैं और वहाँ पे एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना वेबसाइट स्पीड टेस्ट वाला खोल लिया, और यहाँ पे फिर गो पे क्लिक करके देखते हैं कि ये स्पीड मेरा कितना होता है या कोई स्ट्रेंथ कम होता है या नहीं होता है। तो मेरा अभी जो प्लान है उसके हिसाब से यहाँ पे मेरे को 10 Mbps के आसपास स्पीड देता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना है। हाँ, तो लगभग ये 10 Mbps के आसपास में अभी मेरा ये डाउनलोडिंग स्पीड दे रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे ही कंटेंट और चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।